नमस्कार किसान भाइयों, राम कैलाश यादव हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में सबका स्वागत है। आज किसान भाई हम बात करने वाला हूँ, आप देख पा रहे हैं 60 दिन हो गया है फिर भी पहली तुड़ाई नहीं कर पाए किसान। तो किसान ने क्या क्या गलतियाँ किया है और किन गलतियों के कारण जो भिंडी का पौधे ग्रोथ रुक गया है, फल फूल देरी से आ रहे हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर हम किसान भाई बात करते हैं इनकी गलतियों का, तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गुड़ाई चालू है। तो ऐसा किसान भाई होता है कि जितनी बार हम इसकी सिंचाई करते हैं भिंडी की, उतनी बार हमें गुड़ाई करना चाहिए जिससे खरपतवार हट जाए। और गुड़ाई करने से हमारे जो भिंडी के पौध हैं उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ होता है, बहुत बढ़िया से उसमें तेज़ी से जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा, फल फूल जल्दी आएंगे, कल्ले भी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग जितनी बार सिंचाई कर रहे हैं गुड़ाई नहीं करते तो भी उसका ग्रोथ रुका रहेगा। और किसान भाई आता है इनकी गलतियों में, तो कई गलतियाँ इनके सामने आती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये तीसरी बार जो है इसकी सिंचाई करने के बाद जो है गुड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप जैसे कि बुवाई करने के 8 से 10 दिन बाद हमें पहली सिंचाई कर देना चाहिए, तब तक जो है बीज अंकुरण हो जाता है, जमाव ले लेता है, पौध तैयार हो जाते हैं, तो हमें जो है वही सिंचाई करने के बाद गुड़ाई करना है। फिर जब हम सिंचाई करते हैं फिर गुड़ाई करना है, तो इसके अब तक 3 बार गुड़ाई कर देनी चाहिए इनको। और किसान भाई जो बात आती है इसमें कई कमियां कि लापरवाही नहीं करना है। अगर आप खेती कर रहे हैं, सब्जी की खेती कर रहे हैं, कोई फसल खेती कर रहे हैं, तो लापरवाही नहीं करना है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो भी किसान भाई आपके जो भिंडी का पौध है ग्रोथ रुकेगा और फल फूल देरी से आपको देखने को मिलेगी। और हम किसान भाई अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है कि हम तब तक गुड़ाई कर सकते हैं जब तक मान लो पौधे छोटे हैं, फल फूल लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि जगह नहीं रह जाता गुड़ाई करने का, तब उस समय गुड़ाई नहीं किया जाता। लेकिन अभी जो दिख रहा है इस समय जो है गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अधिक फल फूल और जल्दी ग्रोथ पाना चाहते हैं तो इसको क्या है कि जब भी भिंडी बुवाई करें तो क्यारियों में करें, यानी कि क्यारी बनाकर करें नाली द्वारा, जिसमें कि नाली में पानी जाए और उसके हिसाब से रहे, तो उसमें बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। ये तो डायरेक्ट इस तरह से बुवाई हमें नहीं करना चाहिए कि जो है प्लेन खेत में, तो उसमें क्या है कि आपको सिंचाई में भी दिक्कत होगा और पैदावार में भी कम होगा, तो इससे भी आपको दिक्कत देखने को मिल जाएगी। अभी छोटे छोटे इसमें भिंडी के फल दिख रहे हैं लेकिन किसान भाई तुड़ाई नहीं हो पाई है। हमें जो है किसान भाई हर देखा जाता है कि 40 दिन की भिंडी की बुआई के 40 दिन बाद हमें पहली तुड़ाई ले लेना चाहिए। और किसान भाई हमने इस पर भी वीडियो बनाया है कि बुआई करने के बाद गुड़ाई, खाद कौन से देना है, जल्दी ग्रोथ कैसे पाएँ, फल फूल जल्दी कैसे लें, ज़्यादा कल्ले कैसे लें, उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो हम इस वीडियो के लास्ट में उसको लगा देता हूँ, आप उसको देख कर कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं और उसी हिसाब से आप भी अपने जो है भिंडी के खेतों में करके अधिक लाभ कमा सकते हैं।